दोस्तों एटीएम मशीन्स के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मतलब ऐसी कुछ मैजिकल मशीन आप लेके जाइए वहां पे अपने प्लास्टिक कार्ड को और बाद में पैसा निकाल के लेके आ जाइए अगर आपके अकाउंट में है तो। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीन्स काम कैसे करती हैं? मतलब ठीक है खराब होगी तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे में मैं आपको ठीक करना तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा कि एक एटीएम मशीन काम कैसे करती है। और दोस्तों इसके अलावा आपसे बात करने वाला हूं एटीएम कार्ड स्कीमर्स के बारे में, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो आपके कार्ड की डिटेल्स को चुरा लेते हैं और बाद में आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑल टाइम मनी, ये दोस्तों है इंडियन फुल फॉर्म। जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये बेसिकली एक ऐसी मशीन है जो आपको दोस्तों बेसिक बैंकिंग सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कहीं भी कभी भी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे 24 घंटे। दोस्तों यहां पे आप नॉर्मल केसेस में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और दोस्तों कुछ केसेस में चेक्स को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे होता क्या है उस मशीन में जो वो सभी काम कर पाती है? अब यहां पे अगर आप कंफ्यूज्ड है, मान लीजिए एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेके, तो मैं दोस्तों इनके लिए पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जाके वो देख सकते हैं। अभी आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर एक एटीएम मशीन कैसे काम करती है। होता क्या है, पहली बार जब आप दोस्तों किसी भी कार्ड को उस मशीन में इंसर्ट करते हो तो यहां पे सबसे पहले उस कार्ड को रीड किया जाता है और यह पता लगाया जाता है सबसे पहले तो कि वो जो कार्ड है वो असली भी है या नहीं, और उसके अलावा अगर असली है तो उस कार्ड में जो स्टोर्ड आपका अकाउंट नंबर है वो क्या है। अब आप सोच रहे हो कि कार्ड में अकाउंट नंबर स्टोर्ड और कार्ड का असली मतलब ये कैसे पता लगा लिया? दोस्तों यहां पे जो कार्ड के पीछे आपको दिखती है वो काले रंग की पट्टी जो कि है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, वहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि उस स्ट्रिप पे डेटा स्टोर कैसे करते हैं तो यहां पे दोस्तों वो जो स्ट्रिप है आप समझिए उसको हमने तोड़ दिया है छोटे 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 टुकड़ों में। हर एक टुकड़े दोस्तों हमने मैग्नेटिकली अलग तरीके से चार्ज किया है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में हमने डेटा को उसमें स्टोर कर दिया है। तो जैसे दोस्तों हमने कार्ड इंसर्ट किया उस मशीन में, जो रीडर है उसने स्कैन किया कि कार्ड असली है या नकली एक ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए, और दोस्तों उसके अलावा बेसिकली आपका अकाउंट नंबर क्या है वो भी वहां से पुल किया जाता है। अगर वो मशीन किसी कारण से उस कार्ड को रीड ना कर पाए, मान लीजिए आपके कार्ड में काफी स्क्रैचेस लग चुके हैं, कार्ड डैमेज्ड है, या फिर मान लीजिए दोस्तों वो रीडर खराब है, तो आपको स्क्रीन पर एरर आता है कि जो कार्ड है वो दोबारा इंसर्ट करो, कार्ड जो है उसमें एरर आ गया, कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ, कार्ड को ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। दोस्तों यहां पे अगर वो ऑथेंटिकेशन हो जाए, अगर वो डिटेल्स जो है वो रीड हो जाए, तो आपसे पूछा जाता है आपका पिन नंबर, PIN यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे दोस्तों आप उसको एंटर करते हैं तो यहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है आपके बैंक के सर्वर तक। अब हो सकता है कि आप अपना खुद का बैंक का ATM ही यूज कर रहे हो सकता है दोस्तों कि यहां पे आप यूज कर रहे हो किसी और बैंक का ATM, या फिर इवन आप इंटरनेशनली कहीं और किसी और कंट्री में किसी और ATM को भी यूज कर रहे हो। तो मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं कि यहां पे सभी ATM मशीन्स आपस में जुड़ी होती हैं सेंट्रलाइज नेटवर्क के जरिए, और वहां पे दोस्तों उसी की मदद से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके बैंक तक पहुंचा दी जाती है। यहां पे लीज लाइन काम में आ सकती है, ब्रॉडबैंड काम में आ सकता है, डायल अप नेटवर्क हो सकते हैं, और दोस्तों कुछ केसेस में तो हम काम में लेते हैं यहां पे सैटेलाइट नेटवर्क्स को भी। तो एक बार आपके बैंक तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो दोस्तों आपका जो बैंक है वो ऑथेंटिकेट कर देगा कि हाँ ठीक है जो यूजर है वो जेन्युइन है, और उसके बाद में ट्रांजेक्शन आगे कैसे कंटिन्यू करनी है, क्या आपकी डेली लिमिट्स हैं डिपॉजिट करने की, आपकी डेली विड्रॉल लिमिट्स क्या है, या फिर बेसिकली आप अपने अकाउंट में क्या क्या ऑप्शन है जिनको यूज कर सकते हैं किस किस तरीके से। दोस्तों एक बार मशीन तक इंफॉर्मेशन आ जाती है तो बाद में आप बड़े आराम से वहां पे नेविगेट कीजिए, लगा होता है टच स्क्रीन या फिर होते हैं दोस्तों कुछ बटन्स, और उसके बाद में आपको जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है, चाहे आपको देखना है मेनली बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉ करना है, कैश डिपॉजिट करना है, मान लीजिए आपको हो सकता है किसी और के अकाउंट में कैश ट्रांसफर भी करना हो, या फिर आपको किसी और के अकाउंट में कैश डिपॉजिट भी करना हो, कोई चेक भी डिपॉजिट करना हो, दोस्तों आप सारे काम ये सब कर सकते हैं बड़े ही आराम से एक ATM मशीन में, डिपेंडिंग कि उस मशीन में क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहां पर दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि भाई पैसा मेरे को निकालना है लेकिन वो नोट जो है वो कैसे उसके अंदर रखे गए हैं, कैसे बाहर निकल के आ जाते हैं? तो यहां पे दोस्तों मशीन में जो ट्रेज लगी होती हैं, बेसिकली उन बिन्स में आपको अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट हैं वो सॉर्टेड रखे जाते हैं वहां पे, और उसके बाद में एक ऐसा सिस्टम है जो एक एक करके नोट को वहां से पुल करता है डिपेंडिंग कि आपने कितने नोट्स को विड्रॉ करना है, और वहां पर दोस्तों एक स्कैनर भी लगा होता है जो एक एक नोट को स्कैन करता है ये पता करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि जो आपको नोट मिले वो उतने ही मिले जितने आपको मिलने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसे में दोस्तों जो नोट है उसकी थिकनेस को स्कैन किया जाता है, अगर थिकनेस स्टैंडर्ड है मतलब नोट एक है बिल्कुल ठीक है, अगर थिकनेस ज्यादा है मतलब दोस्तों नोट शायद 2 चिपक के आ गए हैं या फिर नोट में कुछ गड़बड़ी है, और अगर थिकनेस कम है इसका मतलब यह कि शायद क्या पता नोट नकली हो या फिर नोट काफी घिसा पिटा हो। दोनों ही केसेस में उनको दोस्तों डाल दिया जाता है रिजेक्ट बिन में, और आपको मिलते हैं बिल्कुल ठीक ठीक गुर्रर की आवाज में नोट निकलते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ऐसे में आप अगर किसी नोट को डिपॉजिट करते हैं तो दोस्तों वही सेम सीक्वेंस है, आप डिपॉजिट करेंगे तो वहां पर वापस से उसी स्कैनर के थ्रू जो है वो नोट स्कैन किए जाएंगे, अगर किसी नोट में एरर आ रहा है मान लीजिए मशीन उसको ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पा रही है तो वो आ जाएगा वापस निकल के बाहर, आप ऐसे बार बार ट्राई कर सकते
सकते हैं और डेफिनेटली आप सभी जो पैसे डालेंगे अंदर वो वापस से उन्हीं ट्रेज में जाके वापस से उसी तरीके से स्टैक्स में अरेंज हो जाएगा। आप चेक्स को भी डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर आप किसी चेक को डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे में दोस्तों जो चेक है उसको स्कैन किया जाता है, आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं प्रीव्यू के लिए कि हाँ ठीक है वो यही चेक है, बिल्कुल सही चीज है, और उसके बाद में वहां पर दोस्तों एक बिन में जाके चेक गिर जाता है जहां पर मैनुअली बाद में उस चेक को निकाल के मशीन से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो बड़ा ही दोस्तों यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है और ऐसे में जो मशीन है वो काफी चीज काम करती है। एक बार आपने अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया तो उसके बाद में आपके बैंक को अपडेट किया जाता है कि हाँ जो अभी स्टेटस है नया वो ये है। दोस्तों स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाता है और उसके बाद में आपको मिलती है सामने एक रिसीट और बस काम खत्म हो गया एटीएम का। तो यहां पे अब सवाल ये आता है कि एटीएम स्किमर्स क्या होते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी चीज है, बेसिकली ऐसे डिवाइसेस जिनको दोस्तों लोग काम में लेते हैं आपके कार्ड की डिटेल्स को चुराने के लिए। अब यहां पे देखिए जो डिटेल्स थी वो सिर्फ दो चीजें थी। पहली चीज जो आपके कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, यानी कि कार्ड का दोस्तों ऑथेंटिकेशन कोड है और आपका अकाउंट नंबर है वो चीज, और उसके अलावा आपका पिन। मतलब अगर ये दो किसी को पता हो तो आपका कार्ड मतलब बस पब्लिक हो गया दोस्तों। फिर तो ऐसा नहीं है कि मशीन जो है वो आपके चेहरे को भी स्कैन कर रही है, मतलब बहुत सारे काम कर रही है। तो यहां पे दोस्तों बहुत सारे जो चोर हैं वो काम में लेते हैं एटीएम स्किमर्स को। ये ऐसे डिवाइसेस जिनको दोस्तों वो इंस्टॉल करते हैं, जो कार्ड जहां पे आपने डाला दोस्तों मशीन में वहां पे कई बार दो लेयर्स आपको देखने को मिलती है, कई बार दोस्तों उसके ऊपर चिपका देते हैं वो स्किमर को। तो होता क्या है कि जब आप उस मशीन में कार्ड इंसर्ट करते हैं तो वो जो स्किमर है वो भी दोस्तों कार्ड को रीड कर लेता है कि वहां पे कार्ड में क्या डेटा स्टोर है ताकि उसको बाद में रेप्लिकेट किया जा सके। इसी तरीके से कि आपके पिन को दोस्तों पता लगाएं तो वहां पे कई बार मशीन के ऊपर वो छोटे मोटे कैमरा इंस्टॉल करते हैं जिससे कीपैड के ऊपर नजर बनी रहे और आप जो भी एंटर करें वो उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, या फिर दोस्तों कई बार तो कीपैड के ऊपर दूसरा कीपैड भी लगा देते हैं जिससे आप जो भी अपना पिन डालें वो एंटर हो जाए और पता चल जाए कि क्या पिन था। उसके बाद में आपका ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा, आपका कार्ड बिल्कुल सही है, आप उसको जब चाहे दोबारा यूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है उसके बाद में वो जो चोर है वो दोबारा एक नकली कार्ड बनाएगा और बाद में आपको आपका बैंक ही कॉल करके बोलेगा कि आपका जो कार्ड है वो इस कंट्री में यहां वहां कहां कहां यूज हो रहा है। तो यहां पे आप अगर जाते हैं किसी भी एटीएम मशीन में तो ध्यान रखिए इन स्किमर्स का, सावधान रहिए और देख समझ के दोस्तों एंटर कीजिए और हाथ से छुपाएंगे उस पिन को तो काफी अच्छा होगा। ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ा मिथ जो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे वायरल हो चुका है कि मतलब अगर आप एटीएम मशीन में है, अगर कोई आपके साथ घुस जाता है, अगर फोर्स करता है आपको पैसे निकालने के लिए, तो आपका जो पिन है वो उसको उल्टा डाल दीजिए तो पुलिस में कॉल चला जाएगा, नोट निकलेंगे, आधे फंस जाएंगे, आधे अंदर आ जाएंगे। ये दोस्तों सभी बातें बिल्कुल गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई भी सीन है, अगर आपके साथ दोस्तों ऐसी कोई भी थेफ्ट होती है तो बेस्ट पॉसिबल यही है कि आप वहां पर कैंसिल दबाइए। अगर कैंसिल नहीं भी दबाते तो कोई बात नहीं, जो काम हो रहा है उसको होने दीजिए, बाद में अपने बैंक में कॉल करके बात बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों डेफिनेटली एटीएम मशीन में तो कैमराज लगे हैं, वहां पर सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो आपका पैसा कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे इतने समझदार भी होते हैं जो शायद उन मशीन्स को चुराने की कोशिश करते हैं कि हम मशीन को तोड़े फोड़े और पैसा निकालें और यूज करें। तो यहां पे आपको बता दूं कि उन सभी दोस्तों मशीन्स में लगा होता है एक जीपीएस डिवाइस जो कि ट्रैक करता है कि मशीन कहां पे है। इसके अलावा जो अंदर की ट्रेज होती है वहां पर दोस्तों इंक यूज में ली जाती है, जिससे अगर कोई ट्रे को गलत तरीके से खोलने की कोशिश करता है तो वो इंक पूरी ब्लास्ट हो जाएगी, जो सारा पैसा है वो कंप्लीट हो जाएगा, वेस्ट किसी काम का नहीं है। ट्रक से ट्रैक्टर से एटीएम खींचना वेस्ट है टाइम का और लोग ऐसा करते भी हैं, पकड़े भी जाते हैं बाद में, और बस ये दोस्तों सारी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको एटीएम के बारे में वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सारा सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोग ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल कहते हैं दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।